नमस्कार, आपके साथ मैं तबरेज़ आलम। आज हम मौजूद हैं शाहजहांपुर के बरेली मोड़ में। जैसा कि आप इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं, किस तरीके से दिवनी बैराज से जो पानी छोड़ा गया था, उससे जो त्राहिमाम हुआ शाहजहांपुर में, कितना नुकसान हुआ। जिस तरीके से लोग घर में सुकून से रहने वाले आज पलायन करने पर मौजूद हैं। शाहजहांपुर के जिला प्रशासन की तरफ से पूरी वो कवायद भी की जा रही है। आपको हम दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से बरेली मोड़ पर वो पुलिसकर्मी, शाहजहांपुर के पुलिसकर्मी लगातार वो कार्यक्रम में अपना जो है कर रहे हैं, जिस तरीके से लोगों को आवागमन में किसी तरीके की कोई तकलीफ ना हो, उस पर लगे हुए हैं लगातार। और भी जो लोग हैं हमारे साथ, इनसे भी हम आपको दिखाएंगे। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से चंद कदम की दूरी पर जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल में जिस तरीके से अगर हम पानी की बात करें तो कमर से ऊपर पानी है। आइए अब हम आपको दिखाते हैं आगे की और कुछ तस्वीरें। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि लगभग कमर से पानी है। जिस तरीके से लोग लगातार अंदर जा रहे हैं, बरेली मोड़ का ये चौराहा, एक तरफ जलालाबाद, एक तरफ नेशनल हाईवे 24 है दिल्ली के लिए जो गाड़ियां हैं, एक तरफ लखनऊ वाला मार्ग है। आखिर ऐसी स्थिति में क्या दर बदर भटकना, ये दूर दराज से आने वाले लोग, यहाँ पर रहने वाले लोग जिस तरीके से पलायन करने पर मौजूद हैं, वो तस्वीरें आखिर इस दर्द को बयां कर रही हैं। तो हमारे साथ यहाँ पर ट्रैक्टर पर आप जिस तरीके से देख सकते हैं कि राहत सामग्री जो है, जिस तरीके से खाने पीने का सामान लोग बांटने जा रहे हैं, यहाँ पर ट्रैक्टर पर कई लोग हमारे साथ युवा हैं जो लोग बाढ़ में फंसे हुए हैं, उनको पहुँचाने का, उनके पास खाने पीने का सामान लगातार ले जा रहे हैं। सबसे पहले भैया, क्या नाम है आपका? आनंद सिंह। आनंद भैया, कहाँ ले जा रहे हैं सब खाने पीने का सामान? हॉस्पिटल लिए जा रहे हैं जो लोग फंसे हुए हैं बाढ़ पीड़ितों के लिए। जी जी, जो हमारे अपने लोग बाढ़ में फंसे हुए हैं उन्हीं लोगों के लिए जा रहे हैं। लगभग कितने दिनों से ये कार्य कर रहे हैं भैया, खाने पिलाने का? हम तो आज पहली बार आए हैं लेके, लेकिन हमारे भाई लोग और लोग जब से बाढ़ चल रही तब से लगातार, मतलब 4-5 दिन से लगातार लगे हुए हैं। और भी साथ हमारे साथ युवा हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। भैया, लगभग कितने दिनों से ये राहत सामग्री खाने पीने की पहुँचा रहे हैं? हो गए दो दिन। दो दिन से ले जा रहे हैं जी। कितने लोगों का अभी तक खिला चुके हैं, कहाँ जा रहे हैं अभी? अभी तो मैं लमसम 400-500 लोगों को लिए जा रहा हूँ। 400-500 लोगों को दे चुके हैं? लिए जा रहा हूँ। अच्छा, तो अभी कहाँ जा रहे हैं? जी, जिला अस्पताल है और इधर जो फंसे हुए घर हैं उन तक पहुँचाएंगे। लगातार आप जैसा कि सभी लोगों का कहना है कि जिला अस्पताल लेके जा रहे हैं, हालांकि ट्रैक्टर पर सवार हैं हम लोग, जो राहत सामग्री बांटने के लिए, लोगों को इधर उधर भेजने के लिए ट्रैक्टर द्वारा यहाँ पर। और भी हमारे साथ, क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर मोहसिन, पार्षद वार्ड 50 का। ये बाढ़ की जो परिस्थिति इस वक्त हमारे शहर में फैली हुई है, जिस वजह से हमारी जनता परेशान है पानी के बीच में, उन सब की मदद के लिए हम सब लोग आगे बढ़े हैं। और हमारे साथ में हमारे संगी साथी, हमारे मोहल्ले के लोग हैं, हमारे साथ में हमारे मनोरंजन कर अधिकारी डॉक्टर नूर हसन साहब भी बैठे हुए हैं। एक बार था इनसे भी साथ भी करा लीजिए कि वो भी सहयोग में लगा हुए हैं हमारे साथ में निरंतर, कि जहाँ जहाँ भी स्थिति है और वहाँ पर हम लोग पहुँचे, और कोई भी आदमी जो है वो पार्षद साहब, प्रशासन की तरफ से क्या कहा गया आवेदन? प्रशासन की तरफ से आवेदन है कि वो बेचारे हर संभव हर तरीके से मदद करने के लिए लगे हुए हैं। हमारे माननीय मंत्री जी सुरेश कुमार खन्ना जी ने भी बहुत सहयोग करा है, बाढ़ के इलाकों में जाके उन्होंने हर स्थिति से निपटने की कोशिश करी है। और हम लोगों को भी आश्वासन है कि हम भी जाके हर जगह पर मदद करें और हर आदमी की परेशानी को दूर करने की कोशिश करें। ये पानी कब से कब तक कम हो सकता है, कुछ उम्मीदें हैं? उम्मीदें हैं कि 2 से 3 दिन के अंदर पानी जो है कम होने की पूरी पूरी उम्मीद है। और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हर आदमी के लिए, अल्लाह से दुआ करते हैं कि जो भी जहाँ भी फंसे हुए हैं उनको बहुत सहयोग से और उनको और समाज के उनको जो है पानी के बाहर निकाला जाए, और जो भी उनके लिए हमारे लिए कोशिश होगी हम वो उनकी पूरी कोशिश करेंगे। खाने पीने की काफ़ी कोई परेशानियाँ हो रही हैं लोगों को, कुछ क्या कर रहे हैं खाने पीने तो के? हम लोग अभी हम जो निकले हैं तो इस वक्त खाने की केस की व्यवस्था को लेके निकले हैं, जो हम बांटने के लिए निकले हैं। और हमारे साथ में हमारे सहयोगी हैं, उन्होंने भी पूरा सहयोग करा है, और उन सहयोगियों के साथ मिलकर हम लोग ये खाने की चीज़ें जो हैं वहाँ तक उनके पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। और आप लोग ऊपर से दुआ ले से दुआ करें कि हम लोग अपने कार्य में सहनशील कामयाबी हो। जी बिल्कुल भैया, थोड़ा सा आराम से लेके चले, काफ़ी पानी का फ्लो ज़्यादा है, आप देख सकते हैं काफ़ी तरीके से पानी बह रहा है। और भी हमारे साथ सर बैठे हैं, क्या नाम है आपका सर? देखिए, मोहल्ला वासियों की हैसियत से हम आपके साथ हैं, जो स्थानीय सभासद है उनके साथ में, और ये सुबह से ही सारे लोग इसमें लगे हुए थे कि किसी तरह से जो बाढ़ के प्रभावित लोग हैं उन तक मदद पहुँचे, सारे लोग लगे रहे। और ये हमारे सभासद साहब, क्या लगता है कब तक ये समस्या ख़त्म हो जाएगी?
बाकी है तो देखिए पानी सुनने जा रहा है कि कम हो रहा है पहले से, कब तक खत्म हो जाएगी तो नहीं बताया जा सकता। प्रशासन की तरफ से कुछ आश्वासन दिया गया? की तरफ से हम नहीं कुछ कर सकते इसके लिए, एतराज नहीं। हम तो मोहल्ला वासी हैं जो भी साथ में एक ही मोहल्ले में रह रहे हैं, इसलिए हम सब लोग इस प्रयास में आगे बढ़े। तो आपने देखा कि पार्षद साहब हमारे साथ मौजूद थे और उनके सहयोगी, और पीछे आप देख ही सकते हैं कि जो युवा हैं लगातार वो राहत कार्य के लिए तैयार हैं, अपने तत्पर और लगातार वो करेंगे और वो हमेशा करते रहेंगे इस देश के लिए, शहर के लिए जो संभव हो सकेगा वो हर संभव प्रयास करेंगे, लगातार वो कर भी रहे। तो अब हम लोग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुंचने वाले हैं। जिस तरीके से आप देख सकते हैं रास्ते का वो है सारी मार्केट्स पर सुनसान, जिस तरीके से कहा जाए कि रोज़गार को लेकर अगर हम बात करें कि जिस तरीके से परिवारों को प्यारे लोग जो जिस तरीके से अपने परिवार को चलाते थे, और वहीं पर हम शिक्षा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर SS डिग्री काली है, मुबुच्छु आश्रम भी है जो पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है, और यहाँ पर कहीं ना कहीं से शिक्षा पर भी काफ़ी असर पड़ रहा है। वही हम आपको इन तस्वीरों में दिखाएंगे कि SS कॉलेज है, कैमरा पर्सन से कहेंगे कि अपने आप को संभाल दिए, थोड़ा हमारे पास आए और वो दृश्य जरूर दिखाएं। SS कॉलेज का वो दृश्य थोड़ा सा आगे आएंगे प्लीज़। सुरक्षित रहना भी बहुत ज़रूरी है कवरेज के दौरान। तो आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि SS कॉलेज का है, स्वर्गीय श्री स्वर्गीय माननीय दयानंद प्रशासनिक भवन जो है SS कॉलेज है, स्वामी सुखदेवानंद कॉलेज है, और इसका जो मेन गेट है, मेन गेट पर जिस तरीके से लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं, कमर के ऊपर से पानी है, कॉलेज के अंदर कमर में कमर से ऊपर पानी है, और यहाँ की जो बाउंड्री वॉल्स हैं वो भी नमी की वजह से गिर गई हैं। काफ़ी सोचने वाली बातें हैं कि इस बाढ़ ने कितना नुकसान कर दिया है। दुनी बैराज से ये पानी आया था जिसने ये शाहजहाँपुर में लगभग 2 किलोमीटर के एरिया को बर्बाद करके रख दिया है, चाहे वो बात शिक्षा की हो, चाहे वो बात व्यापार की हो, चाहे वो बात मरीज़ों की हो, स्वास्थ्य सेवाओं की हो, लगातार कहीं ना कहीं पर पुलिस प्रशासन से लेकर जिला प्रशासन जितना भी है अपने दायित्व को ईमानदारी से लगातार निभा भी रहा है, और हर जगह पर हर संभव प्रयास भी किए जा रहे हैं जिसके लिए कई सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए हैं। लगभग आप लोग कब से ये कार्य कर रहे हैं लगातार बांटने का? जब से बाढ़ चल रही तब से कर ही रहे हैं, एक हफ्ता होने जा रहा है। एक हफ्ते से लगभग निःशुल्क भोजन आप बांट रहे हैं? जी जी। लगभग कितने लोगों को आप भोजन बांट चुके होंगे? कम से कम कल बांटा था 2000 लोगों को। कल 2000 लोगों को बांटा था? बराबर दिन भर, कल रात 12 बजे तक बांटा था, परसों भी बांटा। तो हमारे ख्याल से अगर 2000 लोगों को पर डे बांटते हैं तो लगभग आप तो कई हजार लोगों को बांट चुके हैं ना? वो बाहर क्या काफी चल ही रहा है काफी दिनों से। ये भोजनालय, ये उसके ऑनर हैं विनय अग्रवाल जी, विनय अग्रवाल जी, उनके घर पे भी पानी भर गया, मगर वो कह रहे हैं बांटते रहो, बांटते रहो, हाँ सबको खिलाओ, कोई भूखा ना रहे, बनिए मजबूत है जी जी। जैसा कि भैया का कहना है कि विनय अग्रवाल हैं जिनकी ये परी नमकीन अगर कहें, और जिस तरीके से परी भोजनालय कहें, कि सीधा कहना है कि हमारे भी घर पर आज पानी भर चुका है, लेकिन कोई भी बाढ़ में फंसा हुआ परिवार भूखा नहीं सोएगा। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि व्यवस्थाओं को लेकर अगर हम जिला प्रशासन की बात करें तो हर तरीके से वो संभव प्रयास भी किए जा रहे हैं। यहाँ पर जिस तरीके से राहत में फंसे हुए, बाढ़ में फंसे हुए उन लोगों को बचाने का काम भी लगातार किया जा रहा है, वहीं पर जिला प्रशासन मौजूद है और भी लोग हमसे मिलेंगे, हम वो तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से पूरे रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया है। ये शाहजहाँपुर का अजीज़गंज, ये जो एरिया है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अजीज़गंज का है, यहाँ पर जिस तरीके से आना आवागमन सुचारू रूप से चलाया गया था कि कैसा कहाँ का वो क्या माहौल है, वहीं पर यहाँ पर कई लोग हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, कई युवा खड़े हैं, उनसे हम जानने की पूरी कोशिश करेंगे कि भैया क्या नाम है आपका? जी संदीप नाम है भैया। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं हरदोई के रहने वाला हूँ भैया। अच्छा, हरदोई से यहाँ क्या करने आए थे? मैं यहीं पर रहता हूँ, मैं प्रचारक हूँ। क्या काहे का प्रचार करते हैं? RSS का। RSS का जी, यहाँ पदाधिकारी हैं, RSS प्रचारक हूँ। अच्छा प्रचारक हैं, बताइए भैया किस तरीके से इतना बाढ़ है, सब लोग त्राहिमाम मचा हुआ पूरे शाहजहाँपुर को, 2 किलोमीटर एरिया का बिल्कुल तहस नहस करके रख दिया। जी बाढ़ से बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त हुई है, लेकिन उसके पश्चात यथावत संभवता जो भी लोगों को पहुंचा पाया गया वो पहुंचाया गया, जो भी प्रयास किया गया लोगों को पहुँचा। RSS की तरफ से प्रचार के साथ साथ आपने क्या किया? हम लोगों ने बहुत सब कोशिशें की हैं, कल यहाँ पे NDRF की टीम आई, NDRF की टीम के साथ में हम सभी लोग लगे, लगने के बाद में
उनको रेस्क्यू किया गया, बाहर निकाला गया, निकालने के बाद भोजन सामग्री पहुंचा रहे हैं। अभी भी हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, अभी हम लोग भोजन के पैकेट लाए थे, पानी लाए हैं, और सब हमारे लोग गए हैं अंदर लेकर के कॉलोनी में गए हैं। जिस तरीके से यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, आपके चार कदम पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, वहाँ पर मरीज थे, क्या हुआ? मरीजों को भी हमने कल दोपहर में निकाला, हॉस्पिटल में कुछ मरीज हैं क्या? हाँ, अभी भी, अब तो नहीं है, अब सबको निकाल लिया गया है। कल जब हम लोग गए अंदर तो वहाँ पे दो तीसरी मंजिल पे सब मरीज थे, वहाँ पे तीसरी मंजिल पे सब ऊपर थे और कह रहे थे भैया हमें कैसे बचाएं, हमें निकाल लो यहाँ से। अच्छा, तो हम लोग पहुँच गए, पहुँचने के बाद हमने कहा आप लोग कोई परेशान मत हो, भोजन सामग्री लेके गए, भोजन कराया, आप कहा दो दिन से पानी नहीं पिया है, तो उन्होंने पानी पिलाया, पानी पिलाने के बाद में और NDRF की टीम थी हमारे साथ में, उनकी जो बोट थी बोट पर सबको बैठाया, बैठाने के बाद में सबको बाहर निकाला, सुरक्षित सबको बाहर निकाला, किसी को कोई परेशानी नहीं हुई। और भी लोग हैं भैया का कहना कि कोई परेशानी नहीं हुई थी, और भी लोग हैं उनसे भी हम बात करेंगे। और दूसरी बात है यहाँ पर जिस तरीके से भैया का कहने वाला कुछ नवादा इंदेपुर की बात कर रहे हैं, भैया कोई नहीं थे और नवादा में, चलिए आप चलिए मेरे साथ, इतना इतना घर में पानी भर घुटा हुआ कोई गया है? आइए बिल्कुल इधर आइए, बिल्कुल नवादा में क्या स्थिति बनी हुई है, बिल्कुल पानी भरा है सब नवादा में, कन्या कन्या पानी कोई खाना नहीं दे रही है, बताओ कैसे क्या कर, प्रशासन की तरफ से कुछ कुछ नहीं बातें बताई गई थी, कुछ नहीं किया नवादा में, नवादा के अंदर खाली अफवाह आए, नवादा के अंदर किया गया कुछ नहीं, नवादा के अंदर है, आओ आम चलिए देखिए। जिला प्रशासन से अभी तक कोई गया? DM, SDM कोई भी NDRF टीम? NDRF टीम। अच्छा ये बताइए लगभग कितने लोग हैं नवादा में रहने वाले? हम नवादा में भैया, हम लोग नवादा ही गए, आदमी देखिए आप मंदिर पे कितना पड़ा है, हाईवे पे देखिए कितना पड़ा है, बच्चा छोटे छोटे छत पे हैं, 3 दिन से पानी नहीं मिला है भाई मेरे, हम लोग घूम रहे हैं। जिला प्रशासन तो लगातार आपको खाने की सामग्री और नमाज़ में कहूँ गया, यहाँ बांट जाते हैं, यहाँ बच्चे आएंगे, यहाँ बच्चे लेके आए और लेडीज लेके आए हैं। आप जो भूखे हैं घर पर हैं कई दिनों से आप बता रहे हैं, तो वो लोग किस तरीके से क्या खाते हैं भैया? जो ले जाते हैं यहाँ मिल जाता है, भैया आप बताए पहुँचाना चाहिए, एक एक मिनट सबसे बात कर लेंगे जी भैया। हाँ अंदर पहुँचाना चाहिए, अंदर कोई जाए ना, ये प्रशासन है नहीं, बांट के चलो जाओ बस, सिर्फ यहीं पर रोड पे बांट, रोड पे नवादा के अंदर कोई नहीं जाता, आप चलो इधर हम इनका अंदर है वहां पे जाते हैं, अब नवादा के अंदर नहीं जाता, अंदर कोई जा ही नहीं रहा है, अंदर कोई नहीं जा रहा, कोई नहीं जा रहा अंदर नवादा, कोई गली। अच्छा बताओ जो अंदर बंद है उन्हें क्या मिलेगा, क्या मिलेगा भाई? काम किया गया उन लोगों से, तो आप लोगों ने कहा ना कि हमें भी रेस्क्यू करके इधर सुरक्षित जगह पहुंचाया जाए, या ऐसा कोई व्यवस्था करें आप जो बाहर बुलाए जाए, बाहर बुलाए जाए बाहर, NDRF की टीम आई तो है, हम तो देख चुके हैं व्यवस्था तो की जा रही है, वो जाएंगे तभी तो आएंगे। अच्छा अभी चाहेंगे मतलब गए नहीं अभी कोई नहीं है, कोई नहीं गया। तो जिस तरीके से कहा जा रहा है लोगों का कहना है कि जो नवादा जस्ट बगल में है, यहाँ की चंद कदम की दूरी पर ही नवादा है, वहाँ पर लोग काफ़ी फंसे हैं, लगभग बताया जा रहा 8 से 10 हज़ार लोग हैं वहाँ पर परिवार के रहने वाले हैं, अभी तक किसी तरीके से ऊँचे स्थानों पर छतों पर बैठे हैं या तो मंदिर का शरण ले के रखा है। अब आपको आपको वो वही तस्वीरें दिखाएंगे कि नवादा में क्या ये सत्यता है या ये लोग झूठ बोल रहे हैं। तो काफ़ी लोगों का कहना था कि नवादा में पानी काफ़ी कमर से भरा हुआ है, आप भी देख सकते हैं कि अभी हम लोग चंद कदम की दूरी पर ही हैं, टखनों से पानी भी हो रहा, अगर शायद थोड़ा सा और अंदर जाते हैं नवादा गांव के अंदर जाएंगे तो शायद कमर से ऊपर भी पानी है। यहां पर युवा हमारे साथ हैं, इनसे भी हम जानते हैं आखिर इनका दर्द क्या है, क्या तकलीफ है, क्या नाम है दोस्त? अनुज नाम मेरा है। अनुज भाई ये पानी कब से भरा? ये पानी भरा शुरुआत से 3 दिन से। 3 दिन हो गए जी। 3 दिन में क्या विषम परिस्थितियाँ आई आप? यहाँ पर कोई नहीं आया, यहाँ पर कोई पानी लेके नहीं आया, कोई खाना लेके नहीं आया। तो क्या करते हैं फिर ऐसे में आप लोग? हम लोग बाल्टी लेके आते हैं पानी भरने के लिए, खाना बाकी मोल लेके आते हैं, महंगा मिलता है हम लोग को, खाना भी महंगा मिल रहा है, महंगा मिल रहा है, 100 रुपए किलो आलू मिल रहे हैं इस समय, लेके 100 रुपए किलो आलू जी, काफी महंगाई भी बढ़ा लोगों ने जी। तो किस तरीके से आपके यहाँ बच्चे होंगे छोटे? दूध मिल नहीं रहा हम लोग को, देखिए बच्चा हमारा यही है। आंटी आई है शायद कहीं जा रही है, आंटी क्या नाम है आपका? गीता देवी। कहाँ जा रही है बच्चे को लेकर? कहीं नहीं, बाहर दिखाने जा रहे, पानी पिला रहे। पानी बाहर पिलाने जा रहे हैं? आप पानी में यहाँ व्यवस्था करेंगे तो बाहर पानी पिएंगे, तो बच्चे प्यासे हैं भूखे हैं तो बाहर तो जाएंगे भैया। घर में कुछ खाने पीने की? नहीं नहीं कुछ भी नहीं, खाने को ना पिए काफी। और भैया कुछ कह रहे हैं? क्या करूँ भाई, बताइए आप भी, हम भी जैसे भी रह रहे क्या करें? यहाँ पर प्रशासन सांसद मंत्री कहाँ गया था? कोई नहीं आता, सब सब वोट मांगने के लिए आते हैं, वरना कोई नहीं आता जी। कौन है यहाँ के सांसद जी? कौन है? अरुण सागर है यहाँ पे। अरुण सागर साहब आए थे? नहीं कोई नहीं आया यहाँ पे, अरुण सागर नहीं आया यहाँ पे, वो यहाँ नहीं आए अभी तक, अभी नहीं आए। नहीं। अच्छा यहाँ के जो महापौर वो है अर्चना वर्मा, आश्वासन जिला प्रशासन DM SDM DM SDM तो आए हैं, वो तो वहीं तक आके वहीं से ही लौट गए, बाकी इधर कोई नहीं आया। NDRF की टीम की व्यवस्थाएं करवाई गई थी? हाँ वो सही है, वो तो काम कर रही है अपनी, जो से कर रहा है वो तो निकाल रहे हैं, सही है उनका कोई काम नहीं है, लेकिन जो भी नेता है भाजपा के ये भी वो सर आराम से बैठ के फोटो खींच रहे हैं उस पर और कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे बस।
निकालना हो या कुछ भी करना हो, खाना व्यवस्था आप देख रहे हैं पूरे सब जितने घर डूबे हुए हैं, पानी कब से बोल रहे हैं पानी नहीं आ रहा है, 3 दिन से पानी नहीं मिल रहा है, बाहर से भरने जाओ बाहर से भर के ला रहे हैं पानी, ठीक है जैसे तैसे हो रहा है बस। स्वास्थ्य सेवाएं कैसी चल रही है? कोई कुछ नहीं, खाना अगर बढ़ भी रहा है तो वो सोशल मीडिया बढ़ रहा है, लेकिन हम लोग कुछ नहीं मिल रहा। सोशल मीडिया पर खाना बढ़ रहा है, भैया ने जैसा कि कहा कि बहुत ही खास बात आपने बड़ी बात कही कि सोशल मीडिया पर खाना बढ़ता है, लेकिन अगर खाना बढ़ता होता तो शायद माता जी आपके घर पर खाना पकाते हैं तो वो कहते हैं हमारी टीम के लिए खाना आया है। सब स्टाफ यही बोलता है कि बच्चों के लिए नहीं आया खाना, किसी के लिए नहीं आया, हमारे स्टाफ के लिए खाना आया है, तो बच्चे रोकर वापस आ जाते हैं, ना खाना देते ना पानी देते, कुछ भी नहीं मिलता है। प्रशासन की तरफ से कुछ नंबर दिए गए थे? नंबर दिए गए वो सारे बंद जा रहे हैं, कोई नंबर नहीं लग रहा उनका। अच्छा, कुछ कैंप बताए थे ऐसी सुरक्षित जगहों पर जाकर आप लोग रह सकते हैं? यहाँ कोई सुविधा नहीं कैंप वैम्प की, यहाँ कुछ नहीं बताया गया, कोई अलर्ट नहीं दिया गया कि यहाँ कोई अलर्ट वगैरह हो, कुछ भी नहीं है। पीछे भैया खड़े हैं, भैया कैसी विषम परिस्थितियाँ चल रही, क्या कहना चाहते हैं? देखो सामने दिख रहा है, क्या बताएं इस बारे में, कुछ बताना चाहेंगे आपकी नजरिए से क्या प्रशासन को बेहतर करना चाहिए था? कुछ करना नहीं चाहिए, और जैसे बैठे वैसे बैठे रहे, तो मर रहा है मरेगा अपना, और क्या करेगा आदमी? आखिर ऐसा क्यों, इतने लोग रूस्ट क्यों? सरकार को ये देख रहा है, मतलब उनको वोट चाहिए, आराम बैठना है, उनको नई गद्दी बैठना है, उनको एसी चाहिए है, पानी चाहिए सुविधाएं, खाना चाहिए आराम, बैठ खाएंगे पब्लिक चाहे मरे चाहे जे कुछ भी करे, उसको कोई चिंता नहीं बिल्कुल है। सरकार अगर चाहती खाना पर देती आके, लेकिन नहीं, सरदार लोग गुरुद्वार लोग खाना पर दे रहे हैं, पानी को दे रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ कोई वो नहीं हुआ है। गुरुद्वारे वगैरह खाने को दे गए हैं, कुछ मिला है कुछ नहीं मिला है। अच्छा, मंत्री खन्ना जी का भी है, जितेंद्र प्रसाद भी यहाँ पर, तो खन्ना जी सिर्फ वोट मांग रहे थे, भेजाते हूँ भैया वोट देंगे आप, मैं आपको ये दूंगा, शौचालय ये करूँगा वो करूँगा, मैं ये करूँगा वो करूँगा, अगर आज अगर ये देने आए होते तो मैं कहता हूँ हाँ खन्ना जी यहाँ पर आए थे, यहाँ मुँह तक नहीं आए खन्ना जी हैं, और बताइए काफी बिल्कुल नहीं आए खन्ना जी यहाँ पर, खन्ना बिल्कुल नहीं आए। अच्छा, प्रशासनिक तरीके से अच्छा सेवाएं कराएंगे, लेकिन महापौर के द्वारा कुछ राहत कैंप करा रहे? नो, कोई नहीं, कोई नहीं, खाना भेजा। पार्षद जी क्या नाम है पार्षद जी का यहाँ? मनीष गुप्ता जी। अभी यहाँ पे ट्रॉली आई, उसे आवाज़ देते रोकते रहे, बोले 10 बाई 10 फ्लाइट उतार दो, हम लोग बांट देंगे अंदर, आप लोग नहीं जाए हम चले जाएंगे। ना ट्रॉली रोकी गई, सीधे चलते चले गए नवादा, अब बटेगा खाना या क्या होगा कुछ पता नहीं। मतलब पार्षद जी के द्वारा कुछ लंच के पर खाना आया? यहाँ गाड़ी यहाँ लोग रहते नहीं क्या? हाँ। छोटे छोटे बच्चे हम लोग भी हैं, यहाँ पे कोई खाना मिल ही नहीं रहा। शाहजहाँपुर के नगर निगम क्षेत्र में हमारे 60 कुल वार्ड हैं, इनमें से करीब 15 से 20 वार्ड पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से प्रभावित हुए हैं। इनमें हमारे करीब 6 वार्ड तो ऐसे रहे जो पूर्ण रूप से प्रभावित हुए हैं, जैसे हमारा अजीजगंज है, कांसीराम कॉलोनी है, लालपुर है, और ऐसे ही कुछ हमारे ऐसे वार्ड हैं जहाँ पे आंशिक रूप से कुछ उनके मोहल्ले प्रभावित हुए हैं, और इस तरीके से कुल लगभग 40,000 से 50,000 के बीच लोग कुल प्रभावित हुए हैं, जिनको देखा जाए तो करीब 8,000 से 9,000 तक परिवार हैं। इन सभी लोगों को हम नज़दीक में हमारे जो नगर निगम के अस्थाई शेल्टर होम थे उनमें ला करके हम लोग पिछले 3 से 4 दिनों तक इन लोग सुरक्षित रखा गया, इन लोगों को भोजन की व्यवस्था कराई गई, मेडिकल चेकअप हुआ, और कुछ हमारे स्कूल जो नज़दीक के थे उनमें भी हमने सहयोग लिया, उन लोगों ने भी अपने स्कूल उपलब्ध कराए, इन लोगों के सारी चेकअप सारी खाने पीने की व्यवस्था हम लोग कंप्लीट रखे। अब पानी चूंकि 2 दिन से उतरने लगा है, कल भी उतरा आज भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से उतरा है, तो लोग अपने घरों को वापस जा रहे हैं। इस समय आपदा जो आई हुई है बहुत विकराल स्थिति में, हमारे यहाँ 2 नदियाँ हैं खन्नौत और गर्रा, दोनों का जलस्तर इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि रोड पर पानी चलने लगा है, बहुत भयावह स्थिति उत्पन्न हो गई है। हम समाज से भी लोगों से भी अनुरोध करते हैं किसी न किसी तरीके से अपने आसपास के जितने भी लोग हैं जिस तरीके से उनकी मदद हो सकती है मदद हो। प्रशासन लगातार सहयोग बनाए हुए है, हमारी निगम की टीमें भी लगी हुई हैं, राजस्व की टीम भी लगी हुई है, जो भी लोग फंसे हुए हैं उनको बाढ़ से निकाला जा रहा है और सुरक्षित स्थान पर उनको पहुँचाया जा रहा है। तो लगातार आपने देखा कि जिस तरीके से शाहजहाँपुर प्रशासन के द्वारा वो हर संभव प्रयास किया जा रहा है, समय समय पर स्वच्छ पानी और खाने की जो व्यवस्थाएं थी, खाने का जो सामान था वो उचित जगहों पर सुरक्षित जगहों पर उन सभी लोगों के लिए पहुंचाया जा रहा है। कैमरा पर्सन अंकित के साथ तबरेज आलम, शाहजहांपुर।